अबे मर जाना, कितना लाइफ लोगों के, और एक गोले में पैदा भी हो चुके हैं। अबे जल्दी जल्दी मर। ओके फटाफट, ओके फाइनली वर्क कर रही है। तो हेलो ऑल फ्रेंड्स, मैं होटल बना दिखट वेली गेमिंग। तो गाइस क्या हाल चाल है? तो गाइस आज हम दोबारा खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। जी हाँ गाइस, तो बिना विश के शुरू करते हैं। तो गाइस आज हम दोबारा से बनाना चाह रही है आयरन गोलेम फार्म। जी हाँ गाइस, तो मैंने इस वॉल का एक कॉपी वॉल खोला है। खोलने के बाद मैंने एक छोटा सा एक आयरन फार्म क्रिएटिव मोड में बनाया है। तो बना के मैं देखा तो परफेक्टली वर्क करता है। तो ऐसा सेम टू सेम मैं इस वॉल में सर्वाइवल में बनाऊँगा। जी हाँ गाइस, तो सबसे पहले मुझे यहाँ से पैनल बॉक्स सामने जाना है। तो 15 ब्लॉक जाने के बाद इधर 7x7 एक छोटा सा एरिया बना लेना है। तो फाइनली मेरा आइलैंड रेड किया। तो जाने का रास्ता मैंने दो कर दिया फॉर सेफ्टी। तो बस मैं फिलहाल जा रहा हूँ विलेजर के घर में, और मुझे चाहिए बहुत सारी बेड। तो विलेजर के घर में बहुत सारी बेड है, तो जितने में बेड है सारा मैं लेके जाके मेरे आयरन फार्म के पास लगा दूंगा। तो बस इस 7x7 एरिया में टोटली 25 बेड लगा देना है। मतलब और एक ब्लॉक दे के तुमको और एक बेड दे देना है। मतलब इधर 70x17 एरिया में टोटली बेड लगा पाओगे 24, और एक ब्लॉक बचेगा तो और एक ब्लॉक दे के और एक बेड लगा देना। तो मैं पूरा लगा लेता हूँ। तुमको इधर भी कोई सा भी ब्लॉक गैप नहीं रहना, मतलब इधर एक भी ब्लॉक के इतनी क्या क्या ही किस्मत मेरा, क्या ही बोलूँ, मेरा सारा सामान चला गया। दोबारा से मेहनत करने पर क्या ही बोलूं। तो गाइस तो मैं बहुत सारे रिसर्च करता करके दोबारा से मिलता हूँ। तो गाइस मैं जितने भी सामान है सारा खो चुका हूँ, क्या ही बोलूं। तो बहुत सारे पेड़ काट लेता हूँ क्योंकि बहुत सारी ऊँट चाहिए मेरे को। तो गाइस मेरे पास बहुत सारी ऊँट है, तो मेरे पास बहुत सारी शिप है, तो उधर से मुझे मिल जाता है, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं बहुत सारे पेड़ काटे ऊँट जमा के, तो बहुत सारे बेड बना के उधर लगा देता हूँ। तो दो मिनट दो, मैं पूरा काम खत्म करके मिलता हूँ। तो गाइस मैंने इधर 24 बेड लगा दिया है। जी है गाइस, तो गाइस 24 बेड लगने के बाद ऐसा एक ब्लॉक खाली रहेगा। तो इधर और एक ब्लॉक लगा के ऐसा एक बेड लगा देना है, तो 25 बेड हो जाएगा। इसके बाद इस बेड के ऊपर 7x7 और एक एरिया बनाना है। तो गाइस फाइनली हमारा आयरन रेडी है। आप मुझे चाहिए जॉब ब्लॉक। तो गाइस मुझे बहुत सारी ग्रेवल चाहिए, तो इस चेस्ट में थोड़ी बहुत है। तो 55 ग्रेवल है, तो मुझे सिर्फ 50 चाहिए था, तो 5 एक्स्ट्रा है, तो कोनो बात नहीं। तो मैं सब इसको पूरा ऐसे बिल्ड करते हुए ऊपर जाएंगे। तो गाइस मैं आप इसको तोड़ते हुए नीचे जाएंगे, क्योंकि मुझे चाहिए एक, मुझे एक नहीं, मुझे तो फिन चाहिए। और किसके लिए मैं बताता हूँ। तो मैं इसको दोबारा से ऐसे तोड़ूंगा। तो मुझे 50 फिन चाहिए, तो पूरा एक कर लेते, क्योंकि मुझे बार बार ऐसा बिल्ड करके ऊपर उठाना पड़ेगा, दोबारा से तोड़ना पड़ेगा जब तक मुझे 50 फिन नहीं मिलते। तो मुझे 2 मिनट दो, मैं 2.5 घंटे के बाद मिलता हूँ, क्या ही बोले। तो फाइनली गाइस बहुत मेहनत करने के बाद मैंने 50 फील्ड बना लिया है। और इस किसके लिए मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा कार्टोग्राफर टेबल, तो इसके लिए मैंने इतना मेहनत करा था, और इसके लिए कुछ ऐसा है। तो इसे मैं 25 बना लेता हूँ। तो इन 25 जॉब ब्लॉक को तुम लोगों को ऐसे लाइन पर लगा देना है। तुम लोग कैसे भी लगा सकते हो, मैं भी लगा देता हूँ ऐसे। तो ऐसा करके चारों दिशा में 25 लगा देना है। तुम कैसे भी करके लगा सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके बाद तुमको साइड का ऐसा फिल कर देना है। तो ऐसा दिखाता हूँ कुछ ऐसा करके। तो ऐसा करके छोटा सा एक रूम बना लेना, मतलब ऐसा करके फिल कर देना जितना भी खाली एरिया है। तो ऐसा करके ऐसा कुछ एक ऐसा रूम टाइप बना लेना है। तुम समझ रहे हो, फिर भी मैं ऐसा बता रहा हूँ। ओके, तो ऐसा करके पूरा ही बना लेना है। इसके बाद बीच में बहुत सारी पिलर आएगा। तो गाइस फिलर सबसे मुश्किल काम बाकी है, जो है पिलर को उधर ले जाना। तो ये पूरा सर दर्द का काम है, क्या ही बोलूँ। तो ये मैं फर्स्ट फॉरवर्ड में दे देता हूँ, तो देख लो।
तो गाइस बहुत सारी मेहनत करने के बाद बहुत सारी ब्लेजर इधर लेके आ चुका हूँ, और बहुत सारी ब्लेजर इधर से गिर के भी मर चुके हैं। क्या बोलूँ, बहुत नखे था, गिर के मतलब अंदर जा ही नहीं रहा था तो बाहर से गिर गया। और मैं इस ब्लेजर को बहुत सारी खाना दे दिया कि बिल्डिंग से बहुत सारी ब्लेजर आ जाएगा तो इधर 25 ब्लेजर हो जाएगा। तो मैं कम कर दूँ ऐसा करके, इसको पूरा रूफ टॉप दे के इसको पूरा ढक देता हूँ। दो मिनट दो मैं एक बिक करके मिलता हूँ। बस आप क्या करना पड़ेगा, इस आइलैंड को छोटा सा और दो मिनट के लिए, छोटा सा नहीं, दो ब्लॉक और एक्सटेंड करना है। और देखो मैंने पहले बोल दिया, मेरे पास जितना भी सामान था कोबलस्टोन वो गिर गया था, मैं मर गया था तो मेरे पास इनफ मटेरियल नहीं था। तो मैं अलग अलग ब्लॉक जो भी मेरे पास अवेलेबल है सारा ब्लॉक से मैं ये पूरा बिल्ड कर रहा हूँ। तो इसमें दिखने को अच्छा नहीं होगा लेकिन क्या ही बोलूँ, यूज़फुल होगा तो दिखने में जो भी होगा ठीक ठाक हो जाएगा। क्या ही बोलूँ, जो भी है मान लेंगे हम ठीक ठाक है, लेकिन आइलैंड से मतलब है, थोड़ी ना डिजाइन से मतलब होगा। तो मैं इस आइलैंड को दो और एक्सटेंड करके मिलता हूँ। तो गाइस इस चेस्ट में मैं थोड़ी और ब्लॉक ले लेता हूँ क्योंकि मेरा सारा ब्लॉक खत्म हो चुका है। मैं वुड भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वुड जल गया तो पूरा खत्म मेरा ब्लेजर का, सॉरी मेरा आयरन फार्म पूरा ख़त्म। तो मैं बहुत सारी इधर से मटेरियल लेकर जाता हूँ, अलग अलग मटेरियल जो चलता नहीं है। तो गाइस इसके बाद तीन ब्लॉक हाई कर देना है। जी हाँ गाइस, तो तीन ब्लॉक हाई कर देना है और उसके बाद उसके ऊपर स्लैब लगा देना है। तो मैं पूरा करके मिलता हूँ। तो कैसे आप कुछ कुछ ऐसा बना लेना है, बनाने के बाद तो ऐसा इसको तोड़ देते हो फिलर, क्योंकि ये फिलर ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कर देते हो तो आप इस कोने पे पानी आएगा, जैसे इस कोने पे पानी आएगा ये ऐसा मुझे लेके उधर चला जाएगा, मतलब ऐसा दिखाता हूँ ना, तो गोले में जब स्पॉन होगा तो उधर जाके बीच में आके रुक जाएगा। मतलब इधर होगा किलिंग चैम्बर, गोले में जाके मरेगा और इधर नीचे होगा हॉपर, तो हॉपर के थ्रू जो भी सामान है नीचे चेस्ट में चला जाएगा। जी हाँ गाइस, तो ऐसा कुछ रूल है। तो जब भी उधर 25 ब्लेजर हो जाएगा और जब पूरा प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगा तो इधर गोलेम स्पॉन होगा और उसके बाद इधर गोलेम इधर आके मरेगा, मरने के बाद मुझे आयरन ड्रॉप करके देगा। तो फिलहाल मैं वाटर को ले लेता हूँ क्योंकि जब एक दो गोलेम स्पॉन होगा तभी मैं वाटर को डालूँगा। ओके, फाइनली गोलेम स्पॉन हो चुका है, मैं दूर से देख लिया, तो मुझे अब ऊपर जाना है। ओके, तो ऐसा करके ऊपर जाना है और मैं इधर चेस्ट भी लगा दिया, चेस्ट और दो होपर लगा दिया। ओके, गोलेम को मारना पड़ेगा फिलहाल, नहीं तो मुझे मार देगा। तो इसको मैं फिलहाल किल कर देता हूँ, दोनों गोलेम को किल कर देता हूँ। ओके, तो मेरे पास एक होपर कम था क्योंकि मेरे पास आयरन इनफ नहीं था, तो दो होपर लगा दिया और एक होपर बाकी है। तो दो गोलेम तो मिल ही चुका है, दो गोलेम से जो भी सामान है उससे मैं एक कम करूँगा, एक होपर लगा दूँगा उधर। तो एक गोलेम इधर आ, बेवकूफ़ कहीं का, आजा इधर आजा। तो गाइस मैं अब पानी को डाल सकता हूँ क्योंकि अब गोलेम रैंडमली इधर स्पॉन हो जाएगा। तो ओके, और एक दो गोलेम स्पॉन भी हो चुका है अभी अभी तुम्हारा था। ओके, देख लो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो मैं इसे फिलहाल नहीं डालूँगा क्योंकि इधर मुझे और एक चीज़ लगाना है, एक वो कहते हैं कैंप फायर और एक हॉपर लगाना है। तो मैं इसको तो देता हूँ फिलहाल क्योंकि मेरे पास इनफ या आयरन नहीं था, इसके लिए मैं हॉपर को लगा नहीं पाया। तो इस हॉपर को लगा देता हूँ। ये गोले हटना, तुझे मारूंगा तो दोबारा से मुझे पेल देगा। ओके, दोबारा से नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे पहला नहीं है, कभी भी पहला नहीं है मुझे गोलेम ने। ओके, तो अब मैं ऐसे डाल देखता हूँ। ओके, एक इधर और एक इधर। ओके, आप गोलेम उधर जाएगा। ओके, मैं तो वो लगाना भूल ही गया। ओके, मैं फिलहाल जाता हूँ उधर। ओके, तो आप इधर। ओके, गोलेम आ चुके हैं। तो फिलहाल मैं कैंप फायर को हाथ में ले लेता हूँ और इस कैंप फायर को इधर लगाना पड़ेगा। ओके, तो इधर लगा देता हूँ कैंप फायर को ऐसा क्राउच करके। ओके, गोलेम मुझे लगाने नहीं दे रहा। ओके, मैं गोलेम को मारना पड़ेगा, क्या ही बोलूँ। तो दोनों गोलेम को दोबारा से मारना पड़ेगा। तो दो मिनट दो गोलेम को मार के मिलता हूँ। तो ये आखिरी गोलेम है, इसको मार देता हूँ। अबे मर जाना, कितना लाइफ लोगों के, और एक गोलेम पैदा भी हो चुका है। अबे जल्दी जल्दी मार। ओके, फटाफट से मैं लगा देता हूँ, नहीं तो एक गोलेम दोबारा से आ जाएगा, उससे दोबारा को मारना पड़ेगा। ओके, अबे हटना। ओके, हो चुके। अब देखो गोलेम आएगा और जब मरेगा। ओके, आजा आजा। ओके, उसको धक्का लग गया। ओके, कोई बात नहीं, डैमेज तो पड़ रही है थोड़ी देर करके। ओके, ओके, डैमेज पड़ रही है। तो बस 5 मिनट एफ के करके देखते हैं कितना सामान मिलता है। तो
तो बस मैं यहाँ 5 मिनट एक कर रहा था, तो देखते कितना समय मिलते। ओके टोटली मुझे 21 और मेरे पास और भी 5 है, 2 मिल रहा था कुलम से मारने के बाद ही। तो टोटली कितना हुआ है, 26 आयरन। तो 5 मिनट में 26 आयरन, तो ये बहुत यूज़फुल आयरन है, मतलब फार्म है, तो क्या ही बोले। और तो गाइस फाइनली हम आयरन फार्म पूरी तरह वर्क करे। जी हाँ गाइस, पीछे देख रहे हो आयरन ग्रोम डैमेज पड़ रही है। जी हाँ गाइस, तो मैं ऑफलाइन में ये करूँगा, करने के बाद मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस आज के एपिसोड यही तक रखते हैं, आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आता सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे लाइक सब्सक्राइब बटन उसको एक मुक्की मार के तोड़ देना। जी हाँ गाइस, तो आज के एपिसोड यही तक रखते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो पर। टाटा बाय बाय, सी यू।